तीन चार साल भी स्पोर्ट्स करता जो मैडल भी आ जाते दो चार है ना जो नौकरी ना मिलती सर फिर बंदा नशे ही जाऊगा डिप्रैशन ही जाऊगा। मैं भी सर सरकारी नौकरी वास्ते ही मेहनत कर रहा हाँ जी मैं सरकारी जॉब मिल जाए। पंजाब यूथ विकास बोर्ड के चेयरमैन श्री सुखविंदर सिंह बिंद्रा वालों अज स्थानक रकबाग की शूटिंग रेंज विच एक अंतर सर्कल शूटिंग मुकाबले का उद्घाटन किया गया। मुकाबले का रस्मी उद्घाटन करने तो बाद उन्होंने दस्या टूरनामेंट मिशन तंदुरुस्त पंजाब तहत करवाया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली पंजाब सरकार अजिहे टूरनामेंट राही नौजवानों खेडों प्रति उत्साहित करने वाल विशेष ध्यान दे रही है ता जो ओह राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पद्धर से खेड मुकाबलों विच शानदार प्रदर्शन कर सकन अते अपने सूबे अते परिवार का मान वधाउन। उन्हां अगे कहा कि पंजाब सरकार इस नेक काम लई हर पक्षों यतनशील है ता जो पंजाब देश विच खेडा दा धुरा बन सके। चेयरमैन ने लुधियाना दे सूबा पदरी सोने दा तगमा जेतू पैराशूटर अमनदीप सिंह नूं 11,000 रुपए दा चैक भी सौंपिया अते उन्हां नूं हर संभव सहयोग देण दा भरोसा भी दिता। सर खेल वल तां घट जांदा ना मतलब कि जिदां हुण कई बंदे नैशनल इंटरनैशनल लैवल ते पहुंच जांदे आ तां वी उन्हां नूं कई चीज़ां नहीं मिल पाउंदी। मान लो जिदां सरकारी नौकरी आ हैना जो बंदा इहदे करके मेहनत करदा मैं भी सर सरकारी नौकरी वास्ते ही मेहनत कर रहा हां जे मैनूं सरकारी जॉब मिल जाए। प्लस टू मैं कंप्लीट कर ली मैं बीए सैकंड ईयर विच आ हुण तो मैं सर जे मैं नौकरी जो मान लो तीन चार साल भी स्पोर्ट्स करदा जो मैडल भी आ जाते दो चार है ना जो नौकरी ना मिलती सर फिर बंदा नशे ही जाऊगा डिप्रैशन ही जाऊगा। सर नौकरी बारे तो मैं हजे गल नहीं की नहीं सर तो वेखन में गलबात करनी तो बहुत वधिया लगी मैं मतलब कि मैंने तो यही आस कि मतलब कि काफ़ी स्पोर्ट्स परसन ये हैल्प करनगे। उन्हें खिडारियों नाल भी मुलाकात की खिडारियों इस मेगा ईवेंट में वड्डे पद्धर से हिस्सा लैण लई कहा। देखो अज टूरनामेंट चल रहा इंटर सर्कल डिस्ट्रिक्ट टूरनामेंट जिन्हें बहुत सारे प्लेयर्स ने आके भाग लिया और असी देख रहे हैं कि बच्चों के कि जज्बा है कोई 3 साल तो प्रैक्टिस करता कोई 5 साल तो करता। मैं हमने एक प्लेयर नूं मिलिया बीइंग अ हैंडीकैप्ड ही इज़ अ स्टेट लैवल चैंपियन और 3 साल तो वो लगातार इस गेम नूं कर रहे हैं। मैनू भी गेम खेलण का बड़ा शौक सी अज मैनू भी चांस मिलिया एक शूटिंग रेंज ते आण दा मैं भी एक तो शॉट्स ला के देखे पर बहुत एक टैक्निकल गेम है कि जिहड़ी मैं देखदा क्योंकि ना कोई भी चीज़ तुसीं करनी होवे तुहानूं एक गोल चाहिए तो दिस गेम इज़ मेनली फॉर द गोल। जे साडा गोल क्लीयर है तो आपां लाइफ दे विच आपां हमेशा हिट करते ही करते हैं। तो मैं सारे यूथ में यही कहूँगा कि पंजाब सरकार साडा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स असी हमेशा स्पोर्ट्स नूं प्रमोट करना चाहते हैं। अज तां आए सी अज मैं सारे प्लेयर्स को पुछया कि तुहानूं इत्थे किवें सारे ने बहुत तारीफ की कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन सानूं बहुत चंगी तरह कोऑपरेट करता और साडा सानूं प्रमोट करता। बड़ी खुशी की गल है जब मैं प्लेयर्स के मूँह इस चीज़ को मैं सुनता हाँ तो मैं सारे नूं मैं बेस्ट ऑफ लक विश की है कि जिहड़ा टूरनामेंट है इन्दे विच प्राइजेस रखे हुए हैं फस्ट सैकेंड थर्ड और जिहड़े 3 बच्चे आणगे असीं सरकार वालों भी उन्हें सन्मान करांगे और असीं इदां ही चाहते हैं कि स्पोर्ट्स नूं असीं प्रमोट कर पाईए और जिन्नियां गेम्स भी है दिस इज़ वन ऑफ द गेम जिन्नियां भी गेम्स साडे शहर चंगीआं 30, 40, 50 जिन्ने भी स्पोर्ट्समैन होणगे असीं उन्हां नूं भी इहनूं करांगे प्रमोट और गेम्स नूं भी करांगे। मैनू जो इन्हां जज्बा देख के सब तो पहले तो मैं सल्यूट करदा। देखो हैंडीकैप्ट हो के स्टेट लैवल चैंपियनशिप है बहुत वड्डी गल है पर इत्थों आपां नूं एक सबक मिलता है सबक यह मिलता है कि सानूं पॉजिटिव होना चाहिए जे उन्हां वर्गे इस मुकाम च आके गोल कर सकते हैं तो जिहड़े असीं बाकी क्यों नहीं कर सकते हैगे। सो टीचा साडा इही है कि जिहड़े लाइफ दे गोल हुंदे आ चंगी तरह करिए पॉजिटिविटी नाल चलीए और जिहड़ा भी साडे च हुनर है जिहड़ा भी साडे जज्बा है वह जज्बे नूं बाहर लैके आईए। जे उह जिहा इंसान स्पोर्ट्स नूं प्रमोट कर सकदा उहनां च डेडीकेशन है फिर साडे च भी क्यों नहीं होनी चाहिए। अज यही डेडीकेशन देखते हुए सानूं खुशी है इत्थे जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है मैं उहनां दा धन्नवाद करदा कि इन्ना सोहना प्लेयर्स नाल कोऑपरेट कर रहे हैं तो मैं सारे नूं मेरी बेस्ट विशेज़ है इदां ही राइज एंड शाइन तो साडे सरकार वालों जो भी असी हैल्प कर सकते हैं स्पोर्ट्समैन की स्पोर्ट नूं प्रमोट करन लई यूथ नूं प्रमोट करन लई वी आर ऑलवेज देयर फॉर दैट। कैमरामैन गोलजी दी रिपोर्ट द समर न्यूज़।